अगली खबर में बात करते हैं पत्नी द्वारा रची गई साजिश को लेकर। बीमा क्लेम उठाने की लालच में पत्नी ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया। यही नहीं, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वह टॉर्चर करती थी और 3 साल पहले करीब 50 लाख की जमीन अपने नाम करा ली। मारपीट कर उसने पति के पैर भी तोड़ डाले। मामला नागौर जिले के मेड़ता थाना क्षेत्र के कुरराया गांव का है। पुलिस हत्यारी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना अपराध कबूल किया है। परिजनों का आरोप है कि 50 लाख रुपए का बीमा क्लेम लेने के लिए ही महिला ने हत्या की है। वह अक्सर अपने पति को टॉर्चर करती थी। बताते हैं कि नेमा राम माकड़ का अपना ही पत्नी शारदा में 3 साल में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के एक बेटा और बेटी हैं। 3 महीने पहले ही शारदा ने पति के नाम से 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया था। बेटे के लिए एक पिकअप भी ली थी जिसका 20 लाख रुपए का फाइनेंस कराया गया था। 3 साल पहले शारदा ने नेमा राम की 15 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। इसके बाद से वह उसे मारने की साजिश कर रही थी। दोनों के बीच विवाद होता रहता था। पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब नेमा राम शराब पीकर घर पहुंचा था। शारदा ने टोका तो दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि नेमा राम ने पत्नी की पिटाई कर दी। पत्नी को पीटते पीटते वह अचेत हो गया। इस बीच शारदा ने गला दबाकर नेमा राम को मार डाला। नेमा राम के भाइयों और बाकी परिवार रिश्तेदारों को मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। परिवार ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन अंत्येष्टि से पहले नेमा राम के शरीर पर चोटों के गहरे निशान देखकर सभी चौंक गए। इसके बाद परिजनों ने शारदा से पूछा तो बताया कि एक दिन पहले ही बाइक से गिर गए थे, लेकिन गले में चारों तरफ गहरे घाव ने पोल खोल दिया। परिजनों ने अंत्येष्टि तो कर दी, लेकिन नेमा राम के जख्मों की फोटो ले ली। मृतक के बड़े भाई कुड़राया निवासी भाकर राम पुत्र बालू राम जाट ने हत्या की आशंका जताते हुए थाना में मामला दर्ज कराया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शारदा से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। दाह संस्कार होने के बाद हमें जानकारी मिली कि उस व्यक्ति के साथ में मारपीट हुई थी, उसके शरीर पर चोटें थी। हम गांव में गए और जानकारी की तो पता चला कि उसमें उसकी पत्नी द्वारा ही उसकी आपसी लड़े झगड़े के दौरान मारपीट करके हत्या कर दी गई है।